देखिए रविवार विशेष में खारक एवं द्राक्ष का संधाना की सामग्री। दोस्तों आज रविवार विशेष में प्रभु श्रीनाथ जी को अरोगाई जाने वाली एक ऐसी विशेष सामग्री हम आपके समक्ष लेकर आए हैं जो किसी दवा या औषधि से कम नहीं है। यह विशेषकर प्रभु को शीतकाल में अरोगाई जाती है और इसका प्रसाद लेने पर मानव शरीर को बेहद लाभ पहुँचते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियां हमारे घर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं, विधि भी एकदम सामान्य है और अनगिनत लाभ हैं। और विशेष यह है कि शीतकाल में जो गरिष्ठ भोजन या खाद्य सामग्रियां उपयोग में ली जाती हैं उनके लिए पहले भूख लगना तो आवश्यक है। यह बालक बड़े बूढ़ों सभी के लिए भूख लगने की रामबाण औषधि है। केवल चार सामग्रियाँ उपयोग में आती हैं, खारक, द्राक्ष, काली मिर्ची एवं सेंधा नमक। विधि एकदम सामान्य है। एक दिन पहले खारक एवं द्राक्ष को पानी में गला दीजिए। खारक के आप टुकड़े कर सकते हैं। दूसरे दिन इनको उस पानी में से बाहर निकाल कर धो लीजिए। फिर इसमें स्वादानुसार या अनुपात अनुसार सेंधा नमक एवं काली मिर्च का पाउडर इसमें मिला दीजिए। बस सामग्री तैयार है। प्रभु को मंगल भोग में धरा सकते हैं या जिस प्रकार भी आप सेवा करें उस प्रकार धरा सकते हैं। इस सामग्री के अनगिनत लाभों को हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके समक्ष रखा है। ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का कितनी विलक्षण है। जो इसकी बनाने की विधि है वह विधि इसके विटामिन सी या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मिनरल्स फाइबर्स उनको जरा भी नष्ट नहीं होने देती है और सीधे मानव शरीर को लाभ पहुंचाने के लायक बना देती है। सबसे पहले तो यह सामग्री प्रभु के समक्ष भोग में रख दीजिए ताकि इसमें प्रभु की दिव्यता समाहित हो जाए। फिर यदि आपके परिवार में किसी भी बालक बड़े महिला युवती किसी को भी भूख न लगने की समस्या है तो प्रातःकालीन वेला में भूखे पेट इसका सेवन कीजिए। अद्भुत परिणाम आपको अचंभित कर देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले करेंगे श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। ठंड ने अपना रंग जमाना प्रारंभ कर दिया है। नगरपालिका बोर्ड की कार्यप्रणाली को मिल रही प्रशंसा। साहित्य मंडल के श्याम प्रकाश देवपुरा को सर्वोच्च सारस्वत सम्मान। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आइए श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीय ग्यारस है। आज श्रृंगार एवं आवरण सभी ऐच्छिक थे जिसके तहत लसनिया का जड़ाऊ कुल्हे पगा का पान धराया गया। वस्त्रों में चाकदार वागा चोली सूथन गुलाबी साटन के धराए गए। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम धराए गए। पिछवाई शीतकाल की आई रुमाल पीले छापा वाला धराया गया। वहीं आवरण में सभी आवरण फिरोजा के धराए गए। वनमाला का श्रृंगार धराया गया। कस्तूरी कली व कमल माला धराई गई। श्री कर्ण में कुंडल धराए गए। श्री मस्तक पर लसनिया का कूल्हे उस पर पग्गा का पान व टिपारा का साज धराया गया जिसमें बीच की चंद्रिका व दोनों कतरा धराए गए। रुमाल धराया गया आज चोटी जी नहीं धराई गई। वेणु वेत्र लहरिया के थे पट फिरोजी गोटी बाग बकरी वाली थी। शेष नित्य क्रमानुसार था। दोस्तों अब थोड़ा मौसम का हाल जानते हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री तक है। प्रभु श्रीनाथ जी में दूधघर की स्वाग सोंठ के भोग आने लग गए हैं। यदि आप नाथद्वारा से बाहर हैं और श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ में लेकर जाएं। सर्दी से बचाव के उपाय रखें। नगर की प्रतिष्ठित संस्था साहित्य मंडल के श्याम प्रकाश देवपुरा को जबलपुर में कादंबरी द्वारा अपना सर्वोच्च सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया है। इसके तहत उनको मुक्तामाल शाल सम्मान पत्र के साथ 11,000 रुपये नकद का पुरस्कार भी दिया गया है।
दोस्तों, नाथद्वारा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड आने के बाद से कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से बोर्ड के पदाधिकारी विशेषकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नगर में घूम घूम कर कार्य करवा रहे हैं, उससे लोगों की प्रशंसा उनको मिल रही है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह नगर की नई सड़क के हैं जो पिछले 2 वर्षों पर बहुत ही बुरी हालत में थी। इसका डामरीकरण संवेदनशीलता के साथ किया गया, जैसे कि रोड बंद रहने की सभी को सूचना देना आदि। नगरवासियों द्वारा उनके इन कार्यों की इतनी प्रशंसा हो रही है, जो यह स्पष्ट दर्शाती है कि पिछली नगरपालिका के कार्यकाल से लोग किस कदर त्रस्त हो चुके थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Thank you.